दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां आपको देखने को मिलता है अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यों से भरी वीडियोस। इसलिए जो नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी को भी दबा लो। दोस्तों शादी एक ऐसी प्रथा है जो दुनिया भर में सबसे पवित्र मानी जाती है, और इस प्रथा को हर अलग अलग तरह से पूरा किया जाता है। जैसे क्रिश्चियंस में शादी चर्च में फादर के सामने की जाती है, इस्लाम धर्म में निकाह किया जाता है, और हिंदुओं में शादी मुहूर्त के साथ संपन्न की जाती है। हर मजहब और हर देश विदेश में शादियों को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन आज हम भारत के एक ऐसे गाँव के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां अजीबोगरीब रिवाज फॉलो किए जाते हैं। इस गांव में शादी के बाद दुल्हन को 5 दिन तक नग्न रखा जाता है। वर्षों से इस गांव में ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें शादी के बाद पत्नी को निर्वस्त्र रहना पड़ता है। ये प्रथा हिमाचल प्रदेश के गांव में कई सदियों से चली आ रही है। दोस्तों इस प्रथा में ना केवल लड़की को अजीबोगरीब नियमों का पालन करना पड़ता है, बल्कि पुरुष भी शादी के 5 दिन बाद तक शराब को हाथ तक नहीं लगा सकते। इसके अलावा पति पत्नी एक दूसरे से हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, और पत्नी को 5 दिन तक पूरे समय निर्वस्त्र रखा जाता है। दुल्हन को इसके अलावा शादी के बाद कई बंदिशों में बांध दिया जाता है, जिसमें से एक के अनुसार महिलाएं सिर्फ ऊन से बने पट्टू ही पहन सकती है। इस गांव में इन प्रथाओं को भगवान के डर से पूरा किया जाता है। गाँव वालों का मानना है कि अगर उन्होंने ये प्रथाएं नहीं मानी तो भगवान उनसे गुस्सा हो जाएंगे और गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। भगवान के इस डर से पति पत्नी को एक दूसरे से सावन के 5 दिनों में भी दूर रखा जाता है। आपको बता दें कि ये परंपरा इस गांव में सदियों से चली आ रही है। इस देव प्रथा को लोग डर और आस्था की वजह से मानते हैं। इन गांव के लोगों में अंधविश्वास इतना भरा हुआ है कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि दुल्हन को निर्वस्त्र रखकर कौन से भगवान भला उनसे प्रसन्न होंगे। खैर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए आगे बताते हैं इस गांव की कुछ अन्य रिवाजों के बारे में। दोस्तों गांव की सभी महिलाओं को इस प्रथा का पालन करना पड़ता है, नहीं तो उनको और उनके परिवार वालों को गाँव से बहिष्कार करके निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां भगवान के नाम पर अजीबोगरीब प्रथाओं को माना जाता है और उनके नाम पर मासूम लोगों का शोषण किया जाता है। कुछ जगहों पर तो दुल्हन को पति चुनने का अवसर ही नहीं दिया जाता, तो कई गांव में दूल्हे को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए परीक्षा तक देनी पड़ती है। दोस्तों पता नहीं कब तक भारत जैसा लोकतांत्रिक देश ऐसी कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इनसे छुटकारा पाने के बाद ही भारत जैसे अंधविश्वास में डूबे देश तरक्की कर सकते हैं। वरना बाहरी तरक्की तो हो ही जाएगी, लेकिन देश अंदरूनी तौर पर कमजोर और अंधविश्वास में ही जकड़ा रहेगा। वैसे भी सभी को ये बात समझनी चाहिए कि खुद को कष्ट देने से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। खैर आपका क्या मानना है भारत में सालों से चली आ रही रीति रिवाजों के बारे में, चाहे वो रिवाज धर्म के नाम पर हो या फिर संस्कृति के नाम पर, और कैसे ये परंपरा संस्कृति और धर्म के कुछ रीति रिवाज हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ यार अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर नहीं तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।